और जुड़ी हुई यादें हैं। हम चाहेंगे कि लाली जी शेयर करें। यादें तो बहुत सारी थी, आई थिंक स्टार्टिंग फ्रॉम लखनऊ, लखनऊ का एक्सपीरियंस आई थिंक सबसे ज़्यादा अच्छा रहा हमारा। बहुत पटाखे भी उठे, बहुत फन भी किया, बहुत बड़ा शेड्यूल था, इनफैक्ट आई थिंक तीन हफ्ते का शेड्यूल था और बहुत मज़े किए। जैसे मैंने कहा लखनऊ सिटी भी बहुत घूमे। सबसे ज़्यादा हेक्टिक तब लगा था जब हम पत्रकार बनने में बड़ी परेशानी का सॉन्ग शूट करे थे, क्योंकि पांडे जी सिर्फ मेरे को और रमेश को स्कूटर में घुमा रहे थे दो दिन धूप में और खुद गाड़ी में आराम से घूम रहे थे। जोक से बड़ा आई थिंक बहुत अच्छा मोमेंट था। ओवरऑल इट वॉज अ वेरी गुड टीम, वेरी गुड एक्सपीरियंस एंड आई एम वेरी ग्लैड टू सी ऑल द सॉन्ग्स, स्पेशली द ट्रेलर आई रियली लाइक, सो वी ऑल हैव आवर फिंगर्स क्रॉस्ड फॉर द बेस्ट। थैंक यू। यस, ओवर टू विनीता, व्हाट्स योर एक्सपीरियंस? मैं तो लखनऊ से ही हूँ तो मैं तो बहुत खुश थी कि घर वापस गए और वहाँ पे शूट कर रही थी। नहीं, मिला। तो आई लव द एक्सपीरियंस। आई जस्ट होप आप सबको ट्रेलर पसंद आए और गाने भी पसंद आए जैसे हम लोग को पसंद आए। अमन सर, मुझे उतना समय मिल नहीं पाया कि मैं शैलेंद्र जी के साथ कुछ ज़्यादा दिन काम कर सकूँ, शायद एक या दो दिन उन्होंने काम किया था, लेकिन दोस्ती बहुत गहरी और अच्छी हो गई है। और इन्होंने मुझे सिर्फ इतना ही कहा था कि जो रोल आपको दिया जा रहा है, एक बार आप डायलॉग बोलेंगे तो वो डायलॉग लोगों को याद रहेगा और जिस तरह से आप बोलेंगे। एंड जैसे ये छोटा सा क्लिपिंग इन्होंने मुझे भेजा था, मैंने उसे अपने सोशल नेटवर्क साइट पर डाला तो लोग डेफिनेटली जानना चाह रहे थे कि कौन सी फिल्म है, कब होने वाली है। और ऑफ कोर्स हमारे देश में वो शब्द रेप जो है वो जहाँ पे भी इस्तेमाल होता है लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। तो मुझे तो शायद दो या तीन बार बोलना पड़ा था, बट बहुत ही कमाल का रिस्पॉन्स है। छोटी सी एक या दो लाइन ही मतलब मैंने अपनी क्लिपिंग सोशल नेटवर्क पर डाली है, लेकिन रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा है। एंड लोगों की एक तरह से जो जिज्ञासा होती है कि फिल्म किस बारे में है और इन दो पंक्तियों से मालूम पड़ जाता है कि फिल्म किस बारे में है। एंड ऑफ कोर्स लोग ये भी जानना चाह रहे थे कि बाकी और कौन कौन से अभिनेता हैं साथ में, कहानी किस तरह की है ऑफ कोर्स। एंड बहुत मज़ा है एंड मुझे तो यही है कि कुछ और दिन अगर साथ में काम करें और एक थोड़ा सा लंबा रोल मिलता तो और बढ़िया होता, बट अदरवाइज एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। मैं अपने रोल से बहुत खुश हूँ। रिस्पॉन्स जितना कुछ मैंने लोगों को दिखाया है लोगों को बहुत पसंद आया है एंड आई एम श्योर दैट एवरीबॉडी इज गोना लाइक द फिल्म। बिल्कुल। एंड बहुत चंद्र जी ने मतलब उस समय जब मेहनत की थी मेरे साथ, मुझे भी बीच में लग रहा था कि ये बार बार एक ही चीज़ क्यों करवा रहे हैं मुझसे, बट अभी जब मैं ये क्लिपिंग मैंने देखी उससे मुझे समझ में आया कि डायलॉग के अंदर वेटेज कहाँ पे देना है। वो ये बात उन्होंने मुझे बताई तो वो तब तक टेक लेते रहे जब तक वो जो सही पंक्ति को सही एम्फेसिस के साथ मैंने नहीं बोला। सो जो भी परफॉर्मेंस है उसको पूरे का पूरा श्रेय यहीं को जाता है। ये कौन से फ्लोर में थी? थर्ड का फ्लोर। अच्छा, बात सुनो, एक अनोखी बात है। फर्स्ट सेकंड थर्ड इंद्र जी को बिल्कुल नहीं, ग्रीन होना ग्रीन होना कई बार बगैर जान पहचान के अपना प्रयत्न नहीं छोड़ा और हमारी सचिव गीतांजलि के माध्यम से यह संदेश संप्रेषण किया। इस फिल्म में जज की भूमिका में सच्चे जीवन में जज खुड़े साहब जिन्होंने संजय दत्त जी को सजा दी थी, राजनेता के रूप में घूम फिर करके मेरे ऊपर उनका मस्तिष्क सटका हुआ है कि राजनेता की भूमिका मैं निभा, और फिर इनको बड़ी मुश्किल से मैंने समय दिया। इन्होंने कहा कि एक अच्छे सच्चे राजनेता की भूमिका है और उसके ऊपर ये पूरी कहानी केंद्रित है कि खबर वो नहीं जो खबर होती है, आज के इस परिवेश में खबर वो है जो बनाई जाती है और परोसी जाती है,
जैसे हमारी भाभियाँ और बीवियाँ किचन में मनपसंद का खाना बनाती, ठीक वैसे ही कुछ चुने हुए दल, कुछ चुने हुए नेताओं के चाहते पत्रकार पत्रकारिता के चौके में निहित स्वार्थ के तहत खाना, खबरों का खाना पकाते हैं, स्वादिष्ट भोजन, और उसको परोस देते हैं। वो किसी के लिए अमृत साबित होता है और किसी के लिए विष। जैसा कि इस फिल्म में भी कहा कि जानते तो लोग सबको हैं, लड़ते सब हैं, पहचान सबकी होती है, लेकिन याद लोग उसी को रखते हैं जो जीतता है। तो जो जीता वो सिकंदर। मुझे सही जीवन में भी एक बड़े नेता मिले। मैंने कहा आपकी छवि बड़ी खराब है क्योंकि अखबार वाले खराब लोग, हाथ में उनके जान था और आंखों में नशा। रुक करके दिलीप साहब की तरह खरामा खरामा, यानी धीरे धीरे उन्होंने कहा बरपुरदार, टुडेज न्यूज इज टुमारोज प्रोजेक्ट। तो फिर कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता हैं, दो नेता हैं बल्कि बहुत महत्वपूर्ण नेता, और दोनों हमारे अभिन्न मित्र। उस अखबार के दो मालिक थे, एक की मृत्यु हो गई, एक अभी भी जीवित हैं, आज भी हमारे मित्र हैं, संसद में साथ हैं, लेकिन मेरे बारे में बिल्कुल कुत्सित गलत खबर, जैसा कि मैंने कहा था कि चौके में वो खबर पकाई गई निराधार आधार भी, और पका करके उसके अतिरिक्त प्रतिलिपि छपी। देश के एक सबसे बड़े धनी उद्योगपति और देश के सबसे बड़े महत्वपूर्ण विभाग के दो मंत्री और कतिपय तत्कालीन कांग्रेस के नेताओं के सहयोग से कि छवि खराब करो, और विपक्ष था काले धन की अमर पे। तो मैंने सारे प्रयत्न किए और कहा कि भाई अगर सच्चाई हो तो छापो, और अगर छापना भी है झूठ को तो इस चौके में मेरे बयान का तड़का लगा दो ताकि मेरा वर्षन भी आ जाए। लेकिन अब तो गिरिलाल जैन की बात जाने दीजिए, धर्मवीर भारती की बात जाने दीजिए जो धर्मुख चलाते थे, अब तो एम जे अकबर ऐसे पत्रकार भी हमारे बीच में नहीं रहा, राजनीति उसे खा गई, अब वो नेता हो गए। अच्छे उदय ललित ऐसे वकील जज हो गए, वो आपके लिए उपलब्ध नहीं है। एम जे अकबर ऐसे जो निष्पक्ष और निर्भीक साहसी पत्रकार थे, वह सिस्टम में मंत्री हुए। जाए तो जाए कहाँ, समझेगा कौन यहाँ, दर्द भरे इस दिल की जुबा। तो मुझे लगा कि ये एक ऐसा माध्यम है कि हम ऐसे पीड़ित लोग जिनके बारे में चौके में खबर बना करके परोसो दी जाती, लेकिन हमारे खुद के बयान का तड़का भी लगाने का अवसर हमें नहीं मिलता, तो इसकी अभियुक्ति का एक अच्छा माध्यम है। मैं तैयार हुआ और मैं इस बात के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ कि पहले ही बड़े रोल में है मैं दिलीप कुमार बन गया। मैंने कहा कि भाई ये संवाद, ये डायलॉग मुझे पसंद नहीं है, ये डायलॉग मैं लिखूंगा। वो डायलॉग भी मैंने लिखे, इनके लिखे हुए डायलॉग हमने बर्खास्त कर दिए, खारिज कर दिए, स्क्रीन पे भी चेंज किया, बदलाव किए। उन्होंने कहा कि वो एक दृश्य है, अगर आप बुरा ना माने तो थोड़ी उन्मुक्तता है उसमें, हमने जीवन में उन्मुक्तता हो, लेकिन उस मानव स्वभाव होता है, लेकिन उसका प्रदर्शन ना हो तो वही अच्छा है। निष्ठा का सवाल है, उसमें बदलाव किया। और ये हठी हो गई है शैलेंद्र जी, इनके दुस्साहस के लिए मैं इनको बधाई देता हूँ, क्योंकि इनके टक्कर का दुस्साहसी हमने बेबी फिल्म वर्ल्ड के हो गए। सिर्फ राम गोपाल
राम गोपाल वर्मा को देखा है जो सोले बनाने की हिम्मत कर सकता है, लेकिन उसकी सोले बहुत रद्दी थी, इनकी जेबी बहुत अच्छी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार थ्री कब लगी और कब नहीं पता नहीं चला, लेकिन जेडी के पॉपकॉर्न का रेवेन्यू अमिताभ बच्चन के सरकार थ्री से ज्यादा है। तकनीकी दृष्टि से और हर तरह से मैं जानता हूँ, पोल नहीं खोलूंगा कि जहाँ अमूमन लोग, मैंने मुकुल आनंद को देखा है खुदा गवाह बनाते हुए जोनसू में, और इस नाते देव साहब से हमारी बड़ी दोस्ती रही है। उठो पे ऐसी बात आज से बरसों पहले कैसे गोल्डी साहब ने शूट किया हुआ, कितने कमरे लगे होंगे। अब बोली देता हूँ कि सिंगल कमरे में कभी कभी दो कमरे भी नहीं, और किस कठिनाई से बहुत ही स्तरहीन जगहों को चुनकर उसको ऐसा बना देना जैसे हम होनोलुलु में हो, तो इसी को कहते हैं कि वर्ल्ड ऑफ मेक बिलीव। ये करके दिखाया है, इसके लिए इनको बधाई देता हूँ। और मैं हमारे मित्र उदय शुक्ला जी को हृदय से बधाई देता हूँ, सुने आ गए और उन्होंने स्वातंत्र सुखाया, ये कहा कि हम इंदौर में इसका आयोजन करेंगे, स्क्रीनिंग अपने मित्रों के लिए करेंगे, पूरी प्रपोज देंगे, इसके लिए मैं इनका अभिनंदन करता हूँ। मेरे दिमाग में तो विचार आ रहा है कि पत्रकार पीड़ित जितने लोगों को खोजा जाए, एक विजयवर्गीय जी भी हैं वो भोपाल में पीपल यूनिवर्सिटी चलाते हैं, वो भी पत्रकार पीड़ित है। वो ये हर जगह लोग हैं, क्योंकि पत्रकारिता अब पत्रकारिता नहीं रही, पत्रकारिता पत्रकार अब क्षमा करिएगा, अब वो इवेंट की रिपोर्टिंग नहीं करते, एडिटोरियल का अब एक नया नाम हो गया है एडवर्टोरियल। और बड़े बड़े देश के अखबार, लब्ध प्रतिष्ठित अखबार, वो धमकी देते हैं कि हम सरकारें बनाते हैं और बिगाड़ते हैं, हम वातावरण बनाएंगे तो सरकार बनेगी और बिगड़ेगी। मैं बधाई देना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी को कि देश का एक बड़ा अखबार उत्तर प्रदेश के चुनाव में यूपी को राहुल और अखिलेश का साथ पसंद है और ये हाथ पसंद है। पहले पन्ने पर ये दोनों आते थे, आठवें पन्ने पर मोदी जी आते, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था, 325 सीट जब आ गई तो उस कार्यक्रम में न तो वो गए न तो उनका मंत्रिमंडल गया। बड़ा अखबार, देश का सबसे बड़ा अखबार, मालिकों ने धमकी दी कि हम प्रधानमंत्री हमने बहुत देखे हैं, तो उन्होंने कहा कि लेकिन ऐसा नहीं देखा हुआ जो इतना एड़ा हो और इतना टेढ़ा। तो जब तक हैं प्रधानमंत्री हम प्रधानमंत्री रहेंगे। ये बात अगर कोई राजनीति का व्यक्ति कहता तो उसकी प्रासंगिकता और प्रामाणिकता नहीं रहती, लेकिन यह बात इसी तरह के अखबार बाजों के बीच में रहने वाला, लाइन से निकलने वाला, रात दिन बहुत नजदीकी से, बहुत बारीकी से निहित स्वार्थ की पत्रकारिता को, पीठ पत्रकारिता को स्वच्छ पत्रकारिता के चौके में बनते हुए, पकते हुए सोसाइटी को देख नजदीक से देखकर कहीं ना कहीं उद्रोह से, क्षोभ से, क्षुब्ध द्वलित मन से कि हम नेता तो बनते हैं देश का विकास करने के लिए, लेकिन लालू यादव हो जाते हैं, आदमी के खाने की चीज छोड़िए हम जानवर का खाना भी खा देते हैं, हमारी भूख इतनी होती है कि हम बोलते हैं अरे गैया गो माता तुम बहुत खा लिया तुम्हारा चार चलो अभी हम खाएंगे हम लालू, तो इतनी भूख होती है। हमारे एक मित्र थे बलराम यादव, आयुर्वेद की जितनी दवाइयां थी आज तक भी मुकदमा चल रहा है, तो हमने कहा बलराम भैया आपको कितनी बीमारी है, पूरे उत्तर प्रदेश की दवाइयां पकेले खा गए। तो इस तरह से चाराखोर, दवाखोर लोग हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए, गरीबों के लिए पैसा आता है, वो खाद्य मंत्री जी उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ नेपाल के वीरगंज के बाजार में बेच देते हैं, और कागज में दिखाया जाता है गरीब खा गए,
गरीब बहुत मस्त हैं, लेकिन गरीब त्रस्त हैं, खाद्य मंत्री भी मस्त हैं। वो भी दिखाया है कि कैसे नौटंकी देख रहे हैं नेता लोग, कैसे ठुमके लगा रहे हैं, कैसे बेचारे दिलीप साहब बदनाम हुए कि जो भी हो ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे ना नजर फिसले। तो उनकी तो नज़र सिनेमा के पर्दे पर वीरेंद्र जी को देख के फिसली, वो भी 50 साल पहले। वास्तविक जीवन में जो नज़रें रोज फिसल रही हैं, बाबाओं की नज़रें, नेताओं की नज़रें, और इन फिसलती नज़रों का फलसफा जो उन्होंने दिखाया है सच्चाई के साथ, इस सच के लिए मैं उनको बधाई देता हूँ और इस दुस्साहस के लिए इनकी प्रशंसा करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान इस फिल्म का इतना प्रचार करा दे कि कम से कम एक बार लोग उत्सुकता के लिए सही यही देखने के लिए कि विवादित अमर सिंह ने क्या किया है एक बार प्रेक्षागृह में चले जाए। एक बार अगर चले गए तो फिर उनको एक पिक्चर पसंद आएगी। और मैं भी बिना किसी पूर्वाग्रह के कह रहा हूँ कि यह पिक्चर जो तथाकथित रियल चीज वाली पिक्चर होती है उसकी तरह यह उदास और बोरिंग नहीं है, और कमर्शियल सिनेमा की तरह अपनी विभत्सता और क्रूरता के साथ जरूरत से ज़्यादा रंगीन नहीं है। तो वास्तविकता, रियलिटी और ग्लैमर, वास्तविकता और जीवन की रंगीन रंगीनी इसमें दोनों है। इसमें यह भी है कि कुछ रीत जगत की ऐसी है हर एक सुबह की शाम, और उसमें यह पक्ष भी है कि रात भर का है महिमा अंधेरा किसके रोके रुका है सवेरा। तो इन दोनों संदेशों को संयमित और संतुलित तरीके से साथ लेकर के चलने वाली फिल्म का नाम है जेडी, जर्नलिज्म डिफाइंड। और इसको जर्नलिस्ट जरूर देखें ताकि वो झूठ के पत्रकारिता के झूठ के चौके में किसी नेता, चाहे वो उसका नाम अमर सिंह हो, उसके कहने पर झूठ के दाल की छौंक लगाकर दुष्कर्म करना बंद करें। इस देश में बड़ा बनने के लिए अतिरिक्त कुछ नहीं करना है। क्रिकेटर का काम क्रिकेट खेलना है, लेकिन लोग नहीं खेलते। सचिन ने ठीक से खेला, कपिल ने ठीक से खेला, हीरो बन गए। अभिनेता का काम ठीक से अभिनय करना है, लेकिन ज्यादा लोग अभिनय नहीं कर पाए, टाइप कास्ट हो गए। दिलीप कुमार अमिताभ बच्चन ने कहा काम किया, महानायक बन गए। सरोद बजाना संगीतज्ञ का काम है, ठीक से अमजद भाई ने बजाया, बड़े आदमी बन गए। चुनाव ठीक कराना हर अधिकारी का काम है, लेकिन टीएन सेशन से पहले किसी ने चुनाव ठीक से नहीं कराया, टीएन सेशन ने ठीक से चुनाव कराया, अपना काम कराया, हीरो बन गया। तो भारत देश में हीरो बनना सबसे आसान काम है। आपको जो काम असाइंड है उस काम को आप ठीक से करिए, आप हीरो बन जाएंगे। जैसे नरेंद्र मोदी जी से पहले बहुत प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने कहा सब चलता है, उन्होंने कहा मीन साहब मैं तो नेता हूँ, मैं वो नहीं करूँगा जो आपको अच्छा लगता है, मैं वो करूँगा जो हमको देश के लिए ठीक लगता है। नेता का काम नेतृत्व करना है, और मतदाता का काम, जनता का काम नेता के नेतृत्व का पालन करना है। और अगर हमारी नीति आपको पसंद नहीं आती तो हमें कान पकड़ करके हटा दीजिएगा। लाल बहादुर शास्त्री के बाद हमने नरेंद्र मोदी को दूसरा नेता देखा जिसने देश को निर्देश दिए, नोटबंदी के निर्देश, काले धन को खत्म करने का निर्देश, और भ्रष्ट राजनेता चाहे लालू यादव ऐसा हो व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति, जनाधार का नेता, उसे जेल में ठूंसने का निर्णय। अब तक देश में इसके पहले सिर्फ लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था खाना नहीं है खाना मत खाओ, और हम बच्चे थे, हमने अपने प्रधानमंत्री के कहने पर सोमवार को खाना बंद कर दिया। और उसके बाद जितने नेता है सारे नेताओं को हमने देखा, किसी को चारे की भूख, किसी को दवा की भूख, किसी को पैसे की भूख, भूखी भूख, भूखी भूख। और जैसा नेता होगा वैसा ही समाज होगा, और जैसा समाज होगा वैसा ही अखबार होगा, फिर एडिटोरियल एडिटोरियल बन जाएगा, खबरें किस्सा बन जाएंगी, और पत्रकार का काम किस्सा गोई होगा। इन तमाम परंपराओं को, तमाम विधाओं को प्रदर्शित करने का फिर कहूँगा साहस नहीं, दुस्साहस एक गरीब पत्रकार की सृजनात्मक सोचने किया है। इसके लिए बधाई और प्रशंसा के पात्र हैं, संभवतः नेता और पत्रकार दोनों इनसे खफा हो। इसमें सर बैठे हुए हैं और दो ग्लास जूस के लेके कोई आता है किसी गेस्ट के लिए, तो सर ने बोला कि नहीं दो ग्लास एक साथ नहीं आए थे, एक साथ नहीं आए। एक लीटर का एग्जांपल में लिया मैं, नाम
एक लीडर का एग्जाम्पल भी दिया कि उनके यहाँ कभी भी चाय उनके लिए आती थी, हमारे लिए नहीं आती थी। और फिर पूछते थे, अच्छा आप भी लेंगे क्या? तो हम कभी मना नहीं करते थे, तो इसी बहाने 10 मिनट और बैठने को मिलेंगे। तो वो चीज हमने फिल्म में भी इम्प्लीमेंट की कि पहले जूस का एक ग्लास आता है, उसके बाद फिर अच्छा आप भी लेंगे क्या, फिर दूसरा आता है। तो हमारी फिल्म में क्या है ना, मीडिया से तो मैं खुद हूँ, सारी चीजें मैंने छोटे से अखबार से लेके बड़े से बड़े अखबार में काम किया है, मैगजीन में भी काम किया, तहलका में भी डिप्टी फोटो एडिटर रहा हूँ करीब 6,500। तो मैंने हिंदी, अंग्रेजी, गांव की पत्रकारिता, शहर की एक एलीट क्लास की पत्रकारिता, जैसे आपने पूल पार्टी देखा होगा, ऐसी पार्टियां मैंने देखी हैं। मीडिया में ऐसी पार्टियां होती हैं, आप में से शायद कितने लोग ऐसी पार्टियों में रहे होंगे। तो मैंने वो एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट में काम करने वाला जो जर्नलिस्ट होता है, उसकी शैली कैसी होती है, उसका घर कैसे चलता है, उसके चेहरे पर जो स्माइल होती है, उसके अंदर का उसका परिवार कैसे चलता है, वो आपको नहीं पता होता। फिल्म जब रहता है तो स्माइल देता है, लेकिन उसका घर कैसे चलता है ये किसी को नहीं पता होता। फ्रीलांसर्स उनकी जिंदगी कैसे चलती है, फ्रीलांसर जो ऑफिस में काम किया है और उनके पेमेंट के लिए कितने इशू आते हैं, ये सारे बहुत छोटे छोटे जो मुद्दे हैं जो मैंने रियल एक्सपीरियंस में फील किया है, महसूस किया है, वो सब मैंने दिखाया। तो आपको जब फिल्म देखेंगे तो आपको लगेगा, ये तो मेरा दावा है कि हिंदुस्तान के जितने भी जर्नलिस्ट 40-60% हर आदमी से एग्जैक्टली पिक्चर मैच करेगी, उसको लगेगा ये तो मेरे साथ हुआ। अब बात करते हैं हम कि फिल्म की एक स्क्रिप्ट वाइज में कहानी क्या है कि हिंदुस्तान में आज जो अपने को टॉप का जर्नलिस्ट कहते हैं कि मैं इंडिया के टॉप 10 में से हूं, वो टॉप 10 नहीं है। कहने को टॉप 10 है, लेकिन वो अपने गिरेवान में झांक के देखें, अपने दिल से पूछें, क्या वो एक भी लाइन अपने दिल से लिख सकते हैं? जो यहां बैठे हुए लोग हैं ये दिल से काम करेंगे, अगर यहां जाके लिखेंगे दिल से लिखेंगे, इन पे किसी का अब या तो हम मैं भी आप में से ही हूं कि या तो हमें कहीं से गाइडेंस नहीं मिलता तो हम अपने दिल की बात करते हैं। अब भले हम जाके ऑफिस में फाइल करें, वो एडिट हो जाए, नहीं वो बड़ी पिक्चर आ रही है, उन्होंने ज्यादा पैसे दिए, उन्होंने ज्यादा बड़ा ऐड दिया, तो हटाओ जेडी को, इसको लगाओ, वो एक अलग चीज है, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन पेड मीडिया यही है, हम मुद्दा दिखा रहे हैं इसमें। हमारे पास बहुत सारे फोन आते, जब से थोड़ा सा आप लोगों ने चर्चा शुरू की सोशल मीडिया पे, बहुत सारे फोन आते, मैं इस अखबार से बोल रहा हूँ आपको, ये मैं पब्लिसिटी दूंगा, वो दूंगा, हमने कहा ठीक है बिल्कुल दीजिए, बोले सर इसके लिए पैकेज है, हमने कहा हमारे पास तो पैकेज है नहीं, शायद हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के मीडिया का पहला ऐसा फोटो जर्नलिस्ट होगा जिसने ये जरूरत की, हिम्मत की है फिल्म बनाने की। तो मेरा प्रयास है कि अच्छा कंटेंट दिया है, सब कुछ है इसमें, और एक बेहतरीन स्क्रिप्ट है, आप इसको देखिए। अब एक साल पहले मैंने फिल्म कंप्लीट की थी, तब से मैं बहुत सारे चक्कर लगाए, बहुत सारे स्टूडियोज की भाई कहीं से रिलीज हो जाए, सबको फेस वैल्यू चाहिए, और अभी फेस वैल्यू क्या हाल, आपने देखा लाइन से धड़ाम धड़ाम गिर रहे हैं सारे, तो फेस वैल्यू तो बची नहीं, उसके बावजूद भी डूबेंगे उसी में। मैं कह रहा हूं कि जैसे 3 फिल्में आपने, मैं एग्जाम्पल देता हूं, पहली आई थी पेस्ट्री, किसके नाम से जानी जाती है, मधुर भंडार। पिपली लाइन, आमिर खान डायरेक्टर थे उसके, नहीं फिर क्यों जानी जाती है उनके नाम से। बाहुबली किसके नाम से जानी जाती है, राजा मौली। जितने मैं कह रहा हूं बॉलीवुड के जो टॉप 10 डायरेक्टर्स हैं, अगर उनमें हिम्मत है, फेस वैल्यू लेना बंद कर दें, अगर उनके काम में दम है तो दिखाएं। एक्टर्स ले फेस वैल्यू नहीं, अभी समझ में आ जाएगा फेस वैल्यू, जो इनके नखड़े हैं ना समझ में आ जाएंगे। मेरे पास अगर बजट भी हुआ, सब कुछ हुआ, तब भी मैं इंडस्ट्री के टॉप 5 तो किसी कीमत पे नहीं लूंगा। मुझे शैलेंद्र पांडे फिल्म बनाना है, उसको किसी एक्टर की फिल्म नहीं बनाना। कंटेंट दिखाओ, आप स्क्रिप्ट पे काम करो। चलिए बातें बहुत सारी होती रहेंगी, अंदर का गुस्सा भी बहुत है जो हमने झेला है। एक सेकंड, ये बहुत सामयिक बात इन्होंने की है, लेकिन समझाने के लिए वी संताराम ने कभी, उस समय के 3 राजा थे, राज कपूर, दिलीप कुमार और जवानंद, उनके साथ फिल्म नहीं, चाहे वो 2 आंखें 12 हाथ रही हो, चाहे डॉक्टर कोटिस की अमर कहानी रही हो,
चाहे गीत गाया पत्थरों ने रही हो, नकली जेवर देने एक लड़का जाता था जो हकलाया करता था। एक दिन उसके ऊपर नजर पड़ी, उस लड़के को उन्होंने अपनी बेटी राशि के तहत साथ काम दे दिया, उसका नाम जितेंद्र, वो फेस बन गया। या महिपाल थे, सेहरा बनाई थी उन्होंने। गुरुदत्त कोरियोग्राफर भी नहीं थे, बल्कि कोरियोग्राफर एक ग्रुप डांस के एक मामूली सदस्य, उन पर नजर पड़ी देवानंद साहब की, तो उन्होंने उनकी प्रतिभा को पहचाना और जब उन्होंने पिक्चर बनाई तो वादा किया कि हम आएंगे तुम्हारे साथ काम करने। और राजमुंद भी जाकर के वहीदा जी को ढूंढा, तो वहीदा जी की पहली फिल्म थी सीआईडी, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। के विश्वनाथ ने जयप्रदा जी को ढूंढा और आज भी वो फिल्म चल रही, खत्म नहीं हुई, डफली वाले डफली बजा कंटेंट। और कंटेंट की जो ये बात कर रहे हैं, एक नहीं एक बड़े सुपरस्टार की, जो अपने आप को किंग कहता है, बादशाह कहता है, एक नहीं फैन, हैप्पी न्यू ईयर, हूम इट्स हूम, मेरे अच्छे दोस्त हैं, ये कहते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और उनके साथ मेरे उनकी फिल्में चलें या ना चलें, मैं उनके प्रति स्नेह मेरा यथावत रहेगा, लेकिन 100 करोड़ क्लब के माने जाते थे। दिल जले, शाहरुख खान साहब की बात कर रहा, सब जल गई। और हमारे दूसरे खान भाई, उनकी ट्यूबलाइट हो गई। एक फिल्म जिससे मैं जुड़ा हुआ था, माउ, लोगों ने कहा पागल हो गए कि सुन को आप पीछे खड़े हो गए। श्रीदेवी जी, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए क्वीन, अच्छा खन्ना को कोई देखता नहीं, बाकी लोग जो हैं नए नवेले हैं। और नवाजुद्दीन अमिताभ बच्चन के साथ 3 में आए थे, वो कुछ कर नहीं पाए। और पाकिस्तान के अदनान सिद्दीकी को यहाँ कौन जानता है, सदर उद्दाम की लड़की को यहाँ कौन जानता है। उस फिल्म में कंटेंट थी, श्रीदेवी जी की प्रतिभा थी। मैंने ट्वीट किया, एक खान को बाएं लगाया, एक खान को दाएं लगाया, बीच में श्रीदेवी जी को लगाया और नीचे लिखा कंटेंट इसके। तो इस फिल्म के लिए भी मैं यही कहूँगा, कहिए आपकी, अमर सिंह जी ने कहा है कंटेंट इसके। और अगर कंटेंट किंग है, स्टार आने वाले जमाने में कंटेंट होगा। और अगर कंटेंट और निर्देशक की बात नहीं होती तो गुरुदत्त की प्यासा आज भी प्रासंगिक नहीं होती, कागज के फूल आज भी पेरिस में लोग नहीं देखते। और देव साहब की गाइड, अभी 3 साल पहले कैंस फिल्म फेस्टिवल में विशेष रूप से फिर नहीं दिखा था। कंटेंट नहीं मरता, स्टारडम, कितने लोग हम मर्द देखेंगे, मैं हूँ मर्द टांगे वाला, मैं हूँ मर्द टांगे वाला, टांग देंगे, लेकिन लोग गाइड देखेंगे, देवदास देखेंगे, ये नई वाली नहीं, रंगीन देवदास, जिसमें न पारो को न चंद्रमुखी को देखकर न देवदास को देख करके करुणा नहीं होती। उस देवदास को देखेंगे जिसमें दिलीप कुमार जब कहता है कि किसको खबर थी किसको यकीन था, ऐसे भी दिन आएंगे, मर जीना भी चाहें तो जी हम नहीं पाएंगे, हम जैसे बर्बाद दिलों का जीना क्या मरना क्या। और जब वो कहते हैं हाय किसको खबर थी, तो उनके हाय पर हम सब रो पड़े। सुचित्रा सेन के अभिनय को देख के हम रो पड़े, वैजयंती जी को देख करके, ब्लैक एंड व्हाइट है, चुन्नी लाल जैकी सराफ, चुन्नी लाल मोती लाल। आज के आधुनिक ठीक है, खूब चलिए देवदास, हमारे भाई भरत साहब को प्रणाम, भरत साहब को प्रणाम और नमन, लेकिन भरत साहब और विमल राय में जो अंतर है, वही अंतर शाहरुख खान और दिलीप कुमार में, जो अंतर ऐश्वर्या राय और सुचित्रा सेन में है, वही अंतर माधुरी दीक्षित और वैजयंती बाल में। और इसका मतलब है कंटेंट। इस फिल्म को मैं अपील करूंगा
कि शैलेंद्र के लिए नहीं, अमर सिंह के लिए नहीं, कंटेंट के लिए देखिए, वास्तविकता के लिए देखिए, रियलिटी के लिए देखिए और सच्चाई के लिए देखिए।